गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम यश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, रियल नंबर। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी दो नंबर या किसी भी तीन नंबर के बीच हम लोग SCF फाइंड करेंगे। इससे पहले जो हमने 1.1 की वीडियो बनाई थी उसमें भी हम लोगों ने SCF फाइंड आउट किया था। एक मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड किया था, SCF फाइंड किया था किसी भी दो नंबर किसी भी तीन नंबर के बीच में, ठीक है ना। आज हम लोग 1.2 के इंट्रोडक्शन में और सॉल्यूशन में हम लोग SCF ही फाइंड आउट करेंगे, बट उसका जो मेथड होगा वो सेकेंड मेथड होगा, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग किसी भी दो नंबर का SCF फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, जिससे आपका 1.1 का चैप्टर 1.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए इस चैप्टर का, और जिससे आपको 1.2 करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो इससे पहले हमने कम्प्लीट किया था, इक्विली डिवीज़न लेमा क्या होता है, इक्विली डिवीज़न अल्गोरिथम क्या होता है, और SCF क्या होता है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो उसको हमने इन मेथड के हेल्प से सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक की बात करेंगे हम, जिस इस टॉपिक में हम लोग SCF ही फाइंड आउट करेंगे किसी भी दो नंबर का। तो फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जिसमें मैं आपको SCF फाइंड आउट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि फाइंड SCF ऑफ 256 एंड 426, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया है 256 और 426, इन दोनों का आपको SCF फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, देखें, हमने कहा 256 को आप इस तरह से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर सॉल्व करेंगे, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग बचपन में 7th क्लास 8th क्लास में करते थे, जिसे आप LCM SCF बोलते थे, याद है ना। तो हम SCF ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले 256 को सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरीके से आप 426 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ, वो डिवाइड करना है आपको प्राइम नंबर की हेल्प से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, तो इन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इन्हीं प्राइम नंबर्स की हेल्प से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करें, इन दोनों को पहले आपको 2 से चेक करना है, क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखिए, 6 और 6 है ना, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। मीन्स 2 का रूल, रूल ऑफ टू नंबर, लास्ट डिजिट इज इवन, क्या हो, लास्ट डिजिट इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो इसके लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, क्या है, ठीक है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 1 और 6 16, तो कितना हो गया, 2 8 जा 16। बच्चे कहेंगे सर हमें ये वाला डिवाइड नहीं आता, तो क्या करेंगे आप, 256 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 को क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेते हैं, याद है आपको, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 6 यहाँ कैरी कर लेंगे, 2 8 जा 16, ये आपको डिवाइड आता होगा, तो 228 वो वन क्या आ गया, 128 आ गया, 128। फिर हम फिर से चेक करेंगे क्या ये डिजिट आपके 2 से डिवाइड है या नहीं है। सबसे पहले आपको 2 से ही चेक करना होता है इस प्राइम नंबर की हेल्प से, ठीक है। अब ये क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट
इवन नंबर है, बताया था ना, यदि लास्ट डिजिट इवन, इवन कौन कौन सा होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये यदि लास्ट में होंगे तो आपके क्या होगा, इफ द लास्ट डिजिट इवन और ज़ीरो, इवन और ज़ीरो होगा तो वो दो से डिवाइड होगा, तो ये इवन नंबर है ना 8, तो इसे दो से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 12 2 4 8, फिर से ये इवन नंबर है 4, तो 2 से कितना आएगा, 2 3 6 2 2 4, फिर से ये 2 इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 1 2 1 उधर कैरी होगा तो 12 हो गया, 2 6 12, 16 का लास्ट डिजिट 6 भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, फिर 8 भी जो है वो इवन नंबर है तो 2 4 8, फिर 4 भी इवन है तो 2 2 4, और 2 भी इवन है तो 2 1 2, इस तरीके से आप सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, इवन और ऑड की हेल्प से सॉल्व कर लें, ये तो सभी डिजिट 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ देखते जरा, इसका लास्ट डिजिट 2 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 6 है ना इसका लास्ट डिजिट, 6 है तो 6 2 से डिवाइड होगा ना, 2 2 4 2 1 2 2 3 6, अब इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तब अगला रूल है 3 का, अब चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं, 3 का रूल ये होता है, चेक करने का रूल ऑफ 3 नंबर, सभी नंबर्स का सम कर दिया जाए, द सम ऑफ ऑल डिजिट क्या किया जाए, द सम किया जाए सभी डिजिट का, डिजिट्स का सम करूंगा तो 2 + 1 + 3 कितना होता है 6 ना, और 6 3 के टेबल में आता है, 2 + 1 3 और 3 + 3 6, 6 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 1 3 भी डिवाइड हो जाएगा, कैसे जरा देखते हैं, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, अब हमें चेक करना है क्या है 3 से डिवाइड होगा, जरा देखते हैं, जब 2 से 3 आया तो 3 से 2 नहीं आ सकता, अब या तो 3 आएगा या 5 आएगा, पीछे नहीं जा सकते, पहली बात 2 से 3 आए हैं ना, अब 3 से 3 आ सकता है या 5 आएगा, तो जरा 3 से चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, और 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगला नंबर हमारा क्या है 5 है, तो रूल ऑफ 5 का रूल ये होता है, लास्ट डिजिट 0 और 5 लास्ट डिजिट होगा तो वो डिजिट 5 से डिवाइड होगी, पर इसमें लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला डिजिट है 7, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 1 7 वन रिमाइंडर बच जाएगा तो नहीं होगा। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 11 7 जा 77, ये भी नहीं होगा। क्या ये 13 से होगा, 13 का टेबल पढ़ो, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या ये 19 के टेबल में आता है, नहीं होता, तो 19 के टेबल में भी 71 नहीं आता, इसका मतलब ये हम आगे करते चले जाएंगे तो ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये इसका मतलब ये 71 से ही डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 71 प्राइम नंबर है, क्या है ये प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, दोनों नंबर्स का जो 256 और 426 था उसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला है, क्या निकाला है देखें, 256 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए, इन सब को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम मतलब प्राइम नंबर और फैक्टर्स मतलब मल्टीपल, ये प्राइम नंबर्स हैं, क्या है ये प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे 2 की पावर 8 भी तो लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 कितने बार हैं, 8 बार, तो 2 की पावर 8 256 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 426 को भी हम ऐसे लिख देंगे, 426 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7, ठीक है, 2 × 3 × 7, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। अब समझाना है मुझे, तो मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। 426 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 71, यहाँ मैं 2 की पावर 8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखें, किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के
फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्या? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करना, शो करना या दिखाना, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? एस सी एफ फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? एस सी एफ। जरा देखें, इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, दोनों में क्या सेम है? ये दोनों सेम है। इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें तीन है, इसमें नहीं है, इसमें 71 है, इसमें नहीं है। तो इन दोनों में सेम क्या है? इसको ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? इन दोनों में जो सेम होता है वही हमारा एच सी एफ होता है। एच सी एफ का मतलब आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2। इसमें इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ हो गया 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, उस प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन होगा उसको ही हम एस सी एफ बोलेंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा प्राइम फैक्टर निकालो, तो यहीं तक करके छोड़ दोगे। कभी कभी आपसे बोलेगा एस सी एफ निकालो, तो यहाँ तक और करेंगे, ठीक है ना? तो फंडामेंटल थ्योरम क्या था? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना, पर जब लिख कर कॉमन ले लेंगे तो वो हमारा एस सी एफ होगा, ठीक है? एक और नंबर लेते हैं, मैंने कहा 212 और 305, ठीक है? इन दोनों के बीच में मुझे एस सी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? एस सी एफ ऑफ 212 और 305। ज़रा देखें, 212 को हम करेंगे इधर और इधर करेंगे 305 को। पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। ये किससे डिवाइड होगा पहले चेक करेंगे, प्राइम नंबर के हर एक डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे। 212 के लास्ट डिजिट में 2 है, तो ये 2 जो इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2 2 6 12। जिसको डिवाइड करना नहीं आती वो ऐसे डिवाइड करके ज़रूर करें, करने के बाद ही लिखेगा, ठीक है ना? इसके बाद ये लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 5 10, 2 3 6। अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 53 किससे डिवाइड होगा? अब अगला रूल है 3 का, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या था? सभी नंबर को जोड़ दें, यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो टेबल हम लिखेंगे। तो जरा देखें, 5 + 3 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 का रूल है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 5 नहीं है, तो ये भी डिवाइड 5 से भी नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा? 7 के टेबल में क्या 53 आता है? नहीं आता ना, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 11 के टेबल में आता है 53? नहीं आता। 13 के टेबल में आता है? नहीं आता। 17 के टेबल में आता है? नहीं आता। मतलब 53 किसी भी की टेबल में नहीं आता, तो ये 53 से वन टाइम में ही डिवाइड होगा, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, तो 53 53 से ही डिवाइड होगा। अब 305 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो लास्ट में है वो इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। क्या ये 300 होगा? देखते हैं, 3 + 0 + 5 8 होता है ना, और 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का रूल भी नहीं लगेगा। 5 का रूल क्या है? लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 है ना, तो 5 से हो जाएगा। 5 6 30, 5 1 जा, क्या ये 61 किसी से डिवाइड होता है? क्या 61 किसी के टेबल में आता है? 5 के बाद 7 आता है, 7 चेक करेंगे, 7 के टेबल में 61 नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 13 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 61 से डिवाइड हो जाए। अब इन दोनों में क्या सेम है? तो पहले तो प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 212 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 53, और 305 को लिख सकते हैं 5 × 61। अब इन दोनों में ये तो क्या है? प्राइम फैक्टर हैं। क्या है ये जो हमने लिखा है मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। और इनमें कुछ भी सेम है क्या? नहीं है ना, तो जब कुछ भी सेम नहीं होता है तो एस सी एफ 1 होता है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 61 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, मतलब क्या हुआ? दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेम हो, तो एस सी एफ क्या होगा? 1। जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पर एस सी एफ 1 होता है, ठीक है ना? तो ये तो हमने एस सी एफ फाइंड आउट कर लिया। 1.2 में आपको एस सी एफ ही फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन
करा देता हूँ। जल्दी से नोट करें। चलिए देखें जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू। 1.2 का एक्सरसाइज चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अभी मैंने प्राइम फैक्टर्स कराए थे ना आपको, प्राइम फैक्टर मतलब आपको सिंपल सॉल्व करना है, जो मल्टीपल प्राइम नंबर्स होंगे उन्हीं को निकालना है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर का, तो प्राइम फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। तो बस इसको क्या करो, आपको सिंपल सॉल्व करके छोड़ दो, इसमें आपको एस सी एफ नहीं निकालना है ना एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर करना है। तीन चार क्वेश्चन है आपको, दो करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो 156 को करा देता हूँ मैं पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 27 जा 14 और 28 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा चलता रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा, 23 जा 6, 29 जा 18, अब ये ऑड नंबर हो गया लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा, 31 जा 3, 33 जा 9, और फिर 13 से करेंगे तो वन टाइम है। 3825 को कर रहे हैं हम लोग, लास्ट डिजिट 5 है तो ये तो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमें चेक करना है क्या ये 2 से होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट में ऑड नंबर है। क्या ये 3 से होगा, तो 3 का रूल है सबको जोड़ दें, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरी डिजिट 3 से डिवाइड होगी। करके देखते हैं, 31 जा 3, 32 जा 6, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 22, तो 37 जा 21 और 35 जा 15, तो 3 से डिवाइड तो हो गया। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, चेक करें, 7 5 12 और 12 और 3 कितना होगा, 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 5 और 4 9, 9 2 11, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इन सबको सम कर दूंगा तो कितना आएगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब ये 3 से टेबल डिवाइड नहीं होगा। अब इसे 5 से करके देखते हैं, लास्ट डिजिट 5 है, 5 का रूल क्या है, यदि लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से 5 लास्ट में है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर यहाँ पर, और 3 और 5 कितना हो गया, 35, तो कितना हो गया 7 टाइम्स में, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17, तो ये तो हमने क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट। तो कैसे लिखेंगे, 156 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं 3825 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, इसी को आपको फाइंड आउट करना था, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो ये आपको पहले से आता है। अब कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ, आपको एलसीएम फाइंड करना है, एससीएफ फाइंड करना है, जो आपको पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर मतलब दो दो, ठीक है, दिए गए हैं, जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एससीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होंगे। मतलब आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपका इनका एलसीएम और एससीएफ निकालना है और चेक करना है कि जो मैंने एलसीएम और एससीएफ निकाला है वो सही है या गलत। इन क्वेश्चंस में सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिए हुए थे, तो जब सिंगल सिंगल होंगे तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और जब दो दो एक साथ दिए होंगे तो उसमें एलसीएम या एससीएफ निकालेंगे, किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टर की। कैसे करेंगे, 26 को भी करेंगे ऐसे, 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स में, 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, फिर इस तरह से 91 को करेंगे, तो 91 किससे डिवाइड होगा, ना तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में ऑड है, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका सम 10 होता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है, तो 7 से करें तरह 13 टाइम में, फिर 13 से करेंगे 1 टाइम में, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम में, 13 से डिवाइड जाएगा 1 टाइम में। तो पहले इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, 26 को लिख सकता हूँ 2 × 13, और 91 को लिख सकता हूँ 7 × 13, तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टर्स, क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे एस सी एफ फाइंड करना है, क्या करना है, एच सी एफ, तो दोनों में कॉमन क्या है 13 ना, तो एस सी एफ हो गया 13, और एल सी एम कैसे निकालेंगे हम लोग, एल सी एम निकालने के लिए एस सी एफ की वैल्यू
इनटू बचे हुए टर्म की वैल्यू। बचे हुए टर्म क्या है, 2 और 7। देखो ये तो SCF है, ये तो SCF है ठीक है, और ये बचा हुआ टर्म है ना, तो 2 × 7 SCF हमारा 13 था, बचा हुआ टर्म कितना था, 7 × 2 = 14। 13 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, SCF निकालने के बाद ही आप LCM निकाल सकते हैं, SCF निकालने के बाद ही LCM। तो SCF हमारा कॉमन वैल्यू होती है 13, तो LCM निकालते टाइम पहले तो SCF की वैल्यू इनटू बचे हुए टर्म की वैल्यू, तो SCF हमने निकाल लिया 13, तो SCF की जगह 13, और ये 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14, इनकी मल्टीप्लाई से आंसर। इस तरह से यहाँ भी करेंगे, 510 का करेंगे पहले प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 2 से डिवाइड होता है बताया था, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 ठीक है। अब 5 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 5 × 5 = 5, 10, और 2 = 12, बिल्कुल होगा 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना, 3 × 8 = 24, 1, और 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 8 + 5 कितना होता है, 13, डिवाइड नहीं होगा 3 से, 5 से होगा, 17 times 17 1 times 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 इवन नंबर होता है, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, फिर 23 से ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खुद के ही टेबल में कटता है ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, 510 को लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 5 × 17, फिर 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23 ठीक है ना। अब इनमें सेम क्या है, एक तो ये सेम है और कुछ सेम है नहीं है, तो SCF कितना आ गया, 2, और LCM कितना आएगा, पहले तो SCF की वैल्यू, SCF कितना है मेरा, SCF 2 है, और LCM क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई, 3, 5, 17, 2 × 23, जिन पे हमने सर्कल नहीं बनाया उन सभी की मल्टीप्लाई क्या होगी, LCM होगी ठीक है ना, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, आपका आंसर आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 17 जो आएगा उसमें 2 की और मल्टीप्लाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई 23 से, तो ऐसे करते चले जाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो हमने SCF और LCM तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई दिख रखा ना, ये वेरीफाई करना, तो वेरीफाई का मतलब होता है कि LCM फॉर्मूला होता है LCM × HCF = लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी, उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तो ए कितना था मेरा 26, बी कितना है मेरा 91, LCM कितना निकाला हमने 13 × 14, LCM था हमारा 13 × 14 इंटू SCF कितना था, हमारा SCF था 13, इन सब की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो और इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों इक्वल होंगे तो LHS = RHS इक्वल होने चाहिए। वेरीफाई करने का मतलब हुआ कि इन सब की मल्टीप्लाई करो और इनकी मल्टीप्लाई करो, इक्वल आंसर आना चाहिए, इक्वल आएगा तो LHS = RHS, यदि इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो आप दोबारा से करेंगे, आपका इक्वल ही आना चाहिए, मीन्स जब LCM की वैल्यू रख दिया, ये LCM है पूरा, ये हमने निकाला हुआ है, SCF हमने 13 निकाला हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें LCM की SCF से, यहाँ जो भी डिजिट आएगी मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे तो, 13 × 169 × 14 इस तरह से मल्टीप्लाई, 13 × 13 = 169 × 14, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे खुद ही, इसके बाद इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, कैसे, ये क्या है, हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो LCM × HCF = A × B होता है ना, LCM कितना हमारा, इन सब की मल्टीप्लाई यहाँ रख दोगे इंटू, SCF कितना हमारा 2 यहाँ पर रख दोगे = A हमारा है 510 और B कितना है 92, तो इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, LCM की जगह इतना सारा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे पहले खुद ही, तब LCM को यहाँ रख देंगे और SCF की वैल्यू 2, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी,
फिर ए की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, बी की वैल्यू पहले से गिवन, दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। यही हमारा वेरीफाई होता है। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई तो मैं करूँगा नहीं, आप ही करेंगे, मल्टीप्लाई आपको आती है, हमारा काम सिखाना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप खुद घर पर अच्छे से तसल्ली से करें, गलती नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। जल्दबाजी कोई ना करे, मल्टीप्लाई आराम आराम से करो। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ, दोनों सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं डिवाइड करने में, इसे फैक्टर करने में गलती की होगी। तो दोबारा से रीचेक करोगे, फिर से उसे ठीक करोगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए देखा जा रहा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इसके बाद दो क्वेश्चन और बाकी हैं, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ। एलसीएम और एससीएफ फाइंड करना है। अप्लाई करना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभी सिखाया था आपको, वही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है और इसके बाद उसको एलसीएम और एससीएफ सॉल्व करना है। ज़रा देखें, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 12 का। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, हाथ इतना तो आ ही गया होगा आपको। 15 को सॉल्व करेंगे, 3 से 3 5 15, 5 1 5, ठीक है, इसका भी हो गया। इस तरह से 21 का करेंगे, 3 7 20, 7 1 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 into 2 into 3, 15 को लिखेंगे 3 into 5 और 21 को लिखेंगे 3 into 7। इन तीनों में क्या सेम है, इन तीनों में 3 सेम है। तो SCF क्या हो गया, जो सेम होता है वो SCF होता है, बताया था ना, जो सेम होगा तीनों में वो SCF। और LCM क्या होगा, LCM होता है पहले तो ये SCF जो आंसर आया था वो, और जो बचे हुए हैं जैसे 2 2 4, ये बचा हुआ है, फिर 5 7 35, जितनी डिजिट बची उनकी मल्टीप्लाई, 2 2 4 और 5 7 35, इन चारों की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की 4 3 12 into 35 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा LCM। इसकी मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 12 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो LCM आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं, 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 से वन टाइम में ही कटेगा, 23 से करेंगे तो 23 वन टाइम में कटेगा, 29 को करेंगे तो 29 से वन टाइम में। क्यों, क्योंकि ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 17, 23, 29 प्राइम नंबर है तो अपने नंबर्स ही कटेंगे, तो 17, 17 से वन टाइम में, 23, 23 से ही कटेगा, 29, 29 से ही कटेगा। तो एससीएफ क्या आया, इन सब में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1। और एलसीएम क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, 17 into 23 into 29 into 1 आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इन तीनों की, आंसर आ जाएगा। ये तो काफ़ी इजी था क्योंकि आपने कई बार सीख लिया। यहाँ आते हैं एक अच्छे तरीके से सीखेंगे। गिवन दैट द एससीएफ ऑफ दिस 9, आपको एससीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एससीएफ दिया हुआ 9, किसका दिया हुआ 9, इन दोनों नंबर्स का। तो पहला नंबर तो है 306, दूसरा नंबर है आपका 657, यही ना। देखो एससीएफ दिया हुआ है दो नंबर, दो नंबर मतलब पहले बताया था ना, एक ए होता है एक बी होता है, दो नंबर, एक नंबर 306 है और दूसरा नंबर बी 657 है, और एससीएफ कितना दिया हुआ है 9। कह रहा है एलसीएम फाइंड करो, क्या करो, किसका, इन्हीं दोनों का। तो ए तो यही है सेम और बी यही है, तो इन चारों को मिलाकर भी एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या था, एक फॉर्मूला था ना, अभी फॉर्मूला लिखवाया था अभी मैंने आपको, LCM into SCF is equals to A into B, ठीक है ना। LCM हमें निकालना है तो LCM की पोजीशन पे LCM, SCF की वैल्यू हमें गिवन है 9, A की वैल्यू कितनी है 306 और B की वैल्यू क्या है 657। चार वैल्यूज हैं, तीन गिवन है, चौथी निकल जाएगी। हमेशा क्या होता है किसी फॉर्मूले में, कोई एक वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो ज़रा देखें, LCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये तो यही रहेगा, 9 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, इन दोनों नंबर्स के डिवाइड में, ठीक है। 306 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 27 36 6 5 7। मैंने क्या किया, 306 को 9 से डिवाइड किया 34, और 34 की मल्टीप्लाई इन दोनों 657 से कर दोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका LCM का, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ही LCM आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखो जरा क्या कह रहा है, चेक वेदर, चेक करना है 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट जीरो, क्या सिक्स की पावर एन हो सकती है उसकी लास्ट डिजिट जीरो, जब क्या हो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, जब एन नेचुरल नंबर हो तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एन नेचुरल नंबर होने के बाद भी जब इसको सॉल्व किया जाए तो इसका लास्ट डिजिट, जैसे दो डिजिट होती है ना, तीन डिजिट होती है, तो उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, क्या ये ऐसा हो सकता है, चेक करेंगे। नेचुरल नंबर एन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, टू होती है, थ्री होती है, फोर होती है, फाइव होती है, और भी बहुत सारी। ये नेचुरल नंबर है ना, पता है ना आपको कि नेचुरल नंबर एन जो होता है वन टू थ्री फोर फाइव होता है, यही ना। तो पहले एन की जगह पे वन रखेंगे, सिक्स की पावर वन सिक्स होगा इसमें, फिर सिक्स की पावर टू कितना होगा, थर्टी सिक्स, सिक्स की पावर थ्री कितना होगा, टू वन सिक्स, सिक्स की पावर थ्री का मतलब सिक्स इंटू सिक्स थ्री टाइम, सिक्स की पावर फोर की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, टू वन सिक्स इंटू सिक्स आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, सिक्स को फोर टाइम लिख के मल्टीप्लाई। किसी भी आंसर में लास्ट में जीरो नहीं दिखाई दे रहा, इसका लास्ट डिजिट सिक्स है, इसका भी लास्ट डिजिट सिक्स है, इसका भी लास्ट डिजिट, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट सिक्स ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो इसने कहा क्या सिक्स की पावर एन को सॉल्व करने पर इसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, एंड विद, कैन एंड विद जीरो, एंड विद जीरो का मतलब क्या, क्या लास्ट डिजिट जीरो होगा, नहीं होगा, तो लिख देंगे कैन नॉट बी एंड विद द जीरो, तो लिख देंगे सिक्स की पावर एन नॉट कैन एंड विद डिजिट जीरो, सिक्स की पावर एन को सॉल्व करने के बाद कहीं भी वो लास्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता। बस इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख दो, यहाँ तक सिक्स की पावर एन कैन भी हो तो नॉट कैन बी एंड विद द डिजिट जीरो, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना था। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो नेचुरल नंबर वन टू थ्री रख के उसको सॉल्व करो, देखो क्या लास्ट में डिजिट जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैन नॉट बी, आ रहा है तो यस, लिख कर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन, दो क्वेश्चन बाकी हैं, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फटाफट हम लोग सिक्स और सेवन करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ सिक्स में बोला गया है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है कि क्यों 7 इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव आर कॉम्पोजिट नंबर, ऐसा क्यों है कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं, आपको रीज़न बताने हैं कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट हैं तो क्यों है, रीज़न बताना है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, अपने आपके टेबल से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, किसी अदर भी टेबल से डिवाइड हो जाए, जैसे टू से डिवाइड हो सकता है, थ्री से डिवाइड हो सकता है, तो हम किसी भी अदर डिजिट से इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो हमें चेक करना है क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो है तो क्यों है, तो हमें ये लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, पहले तो 7 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 11 77 और 77 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 77 और ये 13 अपनी पोजीशन पे और मल्टीप्लाई करें 77 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1001, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1001 प्लस 13 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1014, देखें इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया 1014, ठीक है। क्या 1014 किसी के टेबल से डिवाइड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर टू से डिवाइड हो सकता है, तो लिख सकते हैं 1014 इज डिविजिबल बाय टू, देन वी कैन से दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना, ये दो से डिवाइड हो सकता है इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो इसी तरीके से आप इसे ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें और चेक करें क्या वो किसी से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है तो जिससे होगा उसको लिखकर लिख देंगे कॉम्पोजिट नंबर है, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, पर कह रहा है कि कॉम्पोजिट है तो इसको मल्टीप्लाई करो और चेक करो जो वैल्यूज आ रही हैं क्या वो किसी और टेबल से डिवाइड है, जैसे इसमें मुझे पता है कि टू से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है उसमें थ्री से डिवाइड हो सकता है कि फाइव से डिवाइड हो, पर वो जो नंबर आएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसी ना किसी नंबर से जरूर डिवाइड होगा, तो आपको ये खुद मल्टीप्लाई करके देखो, हो सकता है 500 600 520 530 कुछ ना कुछ तो आएगा, अब वो किसी ना किसी टेबल से डिवाइड होगा,
तो आप बता देंगे कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में कहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड टू फील्ड। सोनिया 18 मिनट्स लेती है चीज़ों को, क्या सेवेंथ क्वेश्चन है ये, 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड टू फील्ड। व्हेन अ रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि लेता है एक राउंड के 12 मिनट्स, ठीक है। तो सपोज दैट द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से सेम टाइम से, सेम पॉइंट है तो सोनिया एस और ए दोनों ही एक ही पॉइंट से, दोनों सेम टाइम पे भी, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, फिर एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ए का भी और एस का भी, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कब होगा जब दोनों अपनी ही पोजीशन पे क्या आ जाए, फिर से मिल जाए, ठीक है ना, ऐसा कब होगा जब वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ये जो है वो आपका कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कब होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये जो है सर्कुलर पाथ है, क्या है, जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल फॉर्म में ये एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सर्कुलर मूवमेंट होती है तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे आने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो इन दोनों का क्या करेंगे, आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्या करना है, 18 एंड 12 मिनट्स का आपको एलसीएम फाइंड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्या करना है, एलसीएम। तो देखते हैं कैसे, 18 और 12, ठीक, इसका सर्कुलर पाथ बोला था इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, यदि हम कहते ना कि इसमें सर्कुलर पाथ नहीं तो ऐसे पिक्चर ड्रॉ होता, पर इसमें क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ बोला था, तो जहाँ ए एस ने भी यहीं से स्टार्ट किया है और ए ने भी यहीं से, सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक राउंड मूव करने में उसको 18 लगता है, उसको 12 लगता है, तो ऐसा कब होगा जब दोनों ही एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पे आ जाते हैं, तो वो पोजीशन बताने कितने मिनट बाद वो एक ही पॉइंट पर दोनों पोजीशन क्या होगी उनके सेम होगी। तो 18 को सोल्व करेंगे तो 29 जाए 18, 3 जाए 9, 31 जाए 3, 26 जाए 12, 23 जाए 6, 31 जाए 3, इन दोनों का हमें पहले एससीएफ देखना होता है, 2 × 2 × 3, एससीएफ कितना होगा इनका, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कितना आ गया, 2 × 3 इज टू 6, एससीएफ 6, तो एलसीएम कितना होगा, पहले तो एससीएफ की वैल्यू और जो बच गया 6, 36 मिनट, मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से क्या होंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पर एक दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ होंगी, मतलब सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे के जस्ट बगल में खड़े होंगे, साथ साथ में खड़े होंगे, क्यों, क्योंकि उसका एलसीएम 36, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करें कि क्या अच्छा लगा, जो दिक्कत लगती है वो भी आप बताया करें कमेंट बॉक्स में, लाइक किया करें वीडियोस को ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। कोई दिक्कत है आपको कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताया, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए क्या करें, कॉपी करके वीडियो के लिंक को उनको सेंड किया करें, ठीक है ना। और यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन उसके जस्ट बगल में होगा, उस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल जाए, जिससे आप अगली वीडियो भी देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अगली वीडियो में हम लोग 1.3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर क्यों है, तो इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट करें।